stars. Didn't even get to bronze. आज की वीडियो कोरिया की तरफ से हर एक डाई हार्ट कोरियन फैंस के लिए, क्योंकि भाई इनकी बात ही अलग होती है। एक सिंपल सी भी स्टोरी को इस तरह से हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि सीधा दिलो दिमाग पे जाकर छप जाती है। तो आज की वीडियो में 10 ऐसे ही बेहतरीन कोरियन मूवीज को लाए हैं, जिसमें कुछ बोनस मूवीज भी होंगी जो हमेशा की तरह टॉप क्लास की होंगी। और इसके प्रीवियस पार्ट भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उनमें भी सिर्फ बेस्ट ही होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस लिस्ट की डाउनलोड लिंक के लिए आइए हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नंबर 7 की मूवी दुनिया के सबसे महान बार-बार एक महान वॉरियर पे बेस्ड मूवी देखने की एक्साइटमेंट हाई लेवल पे होती है, ऊपर से कोरिया की हो तो, जिसे हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ प्राइम वीडियो पे रिलीज किया गया 2023 की एक्शन ड्रामा के साथ द असैसिन। दुनिया के महान योद्धाओं को मारकर आप दुनिया के सबसे महान योद्धा हो। एक मिशन के बाद पता चलता है कि आपको लाइलाज बीमारी है, जिसे सिर्फ एक बाबा की बूटी से ठीक किया जा सकता है। तो निकल पड़ता है उस बूटी की तलाश में, जहां गांव में कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। क्या हमारे हीरो उसे बचाएगा या नहीं, आप मूवी में देखो। मूवी की भाई स्टार्टिंग इंटरेस्टिंग थी, कॉन्सेप्ट भी इंटरेस्टिंग थी, पर वो कोरिया वाली लेवल की इम्प्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिली। बीच की स्टोरी एकदम स्लो हो जाती है, बस इसके एक्शन सीन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। बस इस मूवी से मेरी तरह एक्सपेक्टेशन लगाकर मत देखना। बाकी आप इसके एक्शन सीन के लिए एक ट्राई दे सकते हैं, हिंदी डबिंग के साथ प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। नंबर 6 की मूवी हर एक स्पोर्ट ड्रामा फैंस के लिए एक ट्राई तो इस मूवी को देनी ही चाहिए, आपको पॉजिटिव चार्ज कर देगी, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया स्पोर्ट ड्रामा के साथ ड्रीम। आप एक बेहतरीन फुटबॉलर हो, पर आपके बैड बिहेवियर की वजह से आपको एक ऐसी टीम की कोच बना दिया जाए जिस टीम को फुटबॉल का एफ भी पता नहीं। उसे होमलेस वर्ल्ड कप के लिए खिलाना है, कैसे अपने हालात हमारे एक से बढ़कर एक नमूनों की टीम को ट्रेन करते हैं, जिन्हें वर्ल्ड कप के लिए रिप्रेजेंट करना है, जिन्हें मानना है कि जीतेंगे तो ठीक, नहीं तो पीठ दिखाकर निकल जाएंगे। क्या इन नमूनों की टीम वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं, वो तो आप मूवी में देखो। अगर आप स्पोर्ट ड्रामा के फैन है तो भाई इस मूवी को आपको डेफिनेटली एक ट्राई देनी ही चाहिए। मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की मूवी भाई 30,000 फीट ऊपर एकदम से प्लेन के विंडशील्ड टूट जाता है, जिसके वजह से पूरे प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। करीबन 120 पैसेंजर को सेफ लैंडिंग करानी है और इसका पूरा जिम्मा प्लेन के कैप्टन पे है। ऐसे पैनिक सिचुएशन में जिस तरह से पैसेंजर को हैंडल करते हैं भाई, काबिले तारीफ है। और बड़ी बात भाई, ये एक्सीडेंट ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, 2019 की डिजास्टर ड्रामा के साथ तक है। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो चाइनीज ड्रामा है भाई, पर फर्क नहीं पड़ता ब्रो, आपकी कंटेंट में दम कोरिया लेवल की हो तो जरूर देखिए, हिंदी डबिंग के साथ प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। नंबर 5 की मूवी अगर आपको ट्रेजर हंट, खजाने, समुद्री लुटेरों पे बेस्ड मूवीज देखना पसंद है, वो भी कोरिया की डायरेक्शन में बनी, तो ये मूवी आपके लिए। नेटफ्लिक्स की तरफ से एक्शन एडवेंचर के साथ द पायरेट द लास्ट रॉयल ट्रेजर। स्टोरी कुछ समुद्री डाकू पे बेस्ड है, जो समुद्री जहाजों को लूटा करते हैं। एक दिन उन्हें एक खजाने के बारे में पता चलता है, जिसे ढूंढने के लिए अपने लोगों के साथ निकल पड़ते हैं। मोस्ट पॉपुलर जॉनी डेप की पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी आपको पसंद आई होगी, तो ये मूवी उस लेवल का तो नहीं, पर आपको उसके जैसा फील जरूर कराएगी। खजाने ढूंढने की जर्नी, हर एक कैरेक्टर की एक्टिंग, उनकी कॉमेडी वाला अंदाज और कोरिया की स्टाइल में वो लव वाला रोमांस आपको मूवी में बांधे रखेगी। और बड़ी बात भाई, इसके सिनेमेटोग्राफी के साथ इसके बैकग्राउंड म्यूजिक जब जब बजते हैं तो भाई आपको सुकून देगी, जरूर देखिए, नेटफ्लिक्स पे मूवी अवेलेबल है। नंबर 4 की मूवी हर एक एक्शन फैन के लिए ये फिल्म सीरीज कोई ट्रीट से कम नहीं, पर इसके आखिरी पार्ट कहीं ना कहीं भाई हमारे एक्सपेक्टेशन से पीछे रह जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि मूवी वर्थ वॉच नहीं है, आप बेहिचक देखो, जिसके 4th पार्ट हाल ही में रिलीज किया गया 2023 की एक्शन क्राइम ड्रामा के साथ राउंड अप नो वे आउट। डेविल पुलिस ऑफिसर भाई, जिसके एक चमेट पड़ने से क्रिमिनल सीधा उठ जाता है, फिर से एक बार माफिया को पकड़ने की जर्नी, जिनमें आपको इनकी फिर से वो कमाल की स्वैग देखने को मिलेगी, जो इनकी कैरेक्टर हमेशा की तरह आपको कूल लगेगी। इसके एक्शन सीन कमाल की है, बस भाई हमारे हीरो को इतने रफ एंड टफ दिखाया तो उस लेवल की विलन को भी लाओ, बस एक फटके में विलन बेहोश हो जा रहा है यार, थोड़ी इनके टक्कर के विलन को लाओ तो मूवी देखने में मजा और भी आएगा। इस डेविल पुलिस ऑफिसर को अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो इसके प्रीवियस पार्ट को जरूर देखना, और डाउनलोड लिंक चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर आइए हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की मूवी भाई हमें मैच्योर तरीके से समझाती है कि सही मकसद से किया जाए तो चाइल्ड ब्रोकरिंग एक अनाथ बच्चे के फ्यूचर के लिए सही है। फिर आप लोग कहोगे कि ये तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग ही तो हुआ, नहीं भाई,
उन बच्चों को जिनकी माँ उस बच्चे की परवरिश करने की हालात में ना हो, अच्छे पेरेंट्स को ढूंढकर उस बच्चे तक पहुंचाना ताकि उस बच्चे को अनाथ ना जीना पड़े। इस मूवी में ऐसे ही एक माँ की स्टोरी दिखलाई है जो अपने बच्चे को एक बेबी बॉक्स में छोड़ जाती है। उसके बाद दो ब्रोकर उस बच्चे के लिए एक पेरेंट्स को ढूंढते हैं। आगे की स्टोरी भाई आप मूवी में देखो, एंड तक आते आते कई सारी बातें आपको सिखला जाएंगी। हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है और हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। नंबर 3 की कोरियन सीरीज आप दुनिया के सबसे महान तलवारबाज हो और एक छोटे से बच्चे की हंसी आपको पूरी तरह से बदल कर रख दे, तो भाई इस खामोशी के बाद आने वाले तबाही को देखने में मजा बहुत आता है। नंबर 3 की मूवी आपको एक्सपीरियंस कराएगी 2010 की एक्शन ड्रामा के साथ द वॉरियर्स वे। सदी के सबसे महान तलवारबाज को छिपना पड़ता है जब वो अपने दुश्मन के एक हंसते हुए छोटे से बच्चे को मारने से मना कर देता है। आपके ही जैसे लोग उस बच्चे और आपके पीछे पड़ जाते हैं। तब आप फैसला करते हो ये सब छोड़कर इन सब से दूर जाकर खामोशी से रहने का। पर भाई आप दुनिया के सबसे महान तलवारबाज हो, कब तक आप खुद को छिपा पाओगे? और नो डाउट भाई क्लाइमेक्स के वो तबाही देखकर मजा आ जाता है। आप इस मूवी को देखकर एक्सपीरियंस करो, कमाल की स्टोरी लाइन के साथ कमाल की एक्शन देखने को मिलेंगी। वो वेस्टर्न सिनेमेटोग्राफी आपको पसंद जरूर आएंगी। मूवी फ्री में हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। नंबर 2 की कोरियन मूवी भाई यहाँ पर कोरिया के प्रेसिडेंट को मारने का इल्जाम हो, ऊपर से मूवी कोरिया की तरफ से हो, तो ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ मूवी देखने का मजा दुगनी हो जाती है। हम बात करें 2018 की एक्शन थ्रिलर के साथ गोल्डन स्लम। आप एक सीधे साधे डिलीवरी बॉय और आप पर कोरिया के सबसे बड़ा क्राइम प्रेसिडेंट को मारने का इल्जाम हो, पूरे शहर के पुलिस फोर्स आपके पीछे पड़ी हो, तो ऐसी सिचुएशन में भाई खुद को आप कैसे इनोसेंट साबित करिएगा? ये मूवी आपको दिखलाएगी। और नो डाउट भाई ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ मूवी को देखने में मजा आएगा। कोरिया की तरफ से है तो आपकी इमोशंस को जरूर हिट करेगी। और बड़ी बात भाई मूवी को एकदम रियल एंड ग्राउंडेड दिखाने की कोशिश की है, एक नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन से कैसे निकलता। और दूसरी बात भाई इसके क्लाइमेक्स आपको सरप्राइज करेगी। एक्शन के फैन है तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच रहेगी। हिंदी डबिंग के साथ फ्री में एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की मूवी भाई कोरिया में हो रहे इंटरनेट पे लड़कियों के साथ दरिंदगी से भरी हो रही हैवानियत तक क्राइम को एक्सपोज करती है। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2022 की डॉक्यूमेंट्री मूवी साइबर हेल एक्सपोजिंग एन इंटरनेट हॉरर। आपके फोन पे एक मैसेज आती है आपकी न्यूड फोटो वायरल हो चुकी है, इस लिंक पर क्लिक करो। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस हैकर के पास, अब आप उनकी चंगुल में फंस चुके हो। कैसे कोरियन पुलिस इंटरनेट पे हो रहे इस क्राइम के पीछे की क्रिमिनल को पकड़ते हैं, ये आप मूवी में देखो भाई। इस मूवी को देखने के बाद भाई आपको किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से डर लगेगा। ऐसी मूवी को भाई अपने दोस्तों और फैमिली में जरूर शेयर करना। हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 1 की मूवी भाई इसके पहले पार्ट से भी एक लेवल ऊपर। इस पर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और अमेरिकन FBI साथ मिलकर मिशन करेंगे जो देखने में मजा बहुत आएगा। हम बात करें जिसके सेकंड पार्ट हाल ही में रिलीज किया गया 2023 की तबाही एक्शन के साथ कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट 2। तीन देशों की डिटेक्टिव मिलकर मिशन करेंगे। इस बार भाई कुछ बड़ा होने वाला, कुछ भी बताकर मूवी देखने का एक्सपीरियंस को स्पॉइल नहीं करने वाला। आप मूवी को देखकर खुद ही एक्सपीरियंस करो और यकीन मानो भाई मजा तो आने वाला है। वो तबाही वाला एक्शन आपको फिर से दिखाया जाएगा। केवल एक बंदा पूरी गैंग के बराबर है। बस भाई थोड़ी एक बात अजीब सी लगी, मूवी साउथ कोरिया की तरफ से है लेकिन फिर भी नालायक और बुद्धू साउथ कोरियन डिटेक्टिव को ही दिखाया है जिनकी कॉमेडी आपको मूवी में इंटरेस्ट बनाए रखती है। ऐसे कई सारे सीन है जो आपको देखकर लगेगा कि इसे कहते हैं परफेक्ट डिटेक्टिव। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। तो भाई ऐसी ही क्वालिटी के लिए आपके तरफ से एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग हर एक वीडियो देखते हो यार पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज आज कर दो। और इस लिस्ट की डाउनलोड लिंक चाहिए तो आइए हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ।